बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कटी सार्क द फास्टेस्ट सेलिंग शिप ऑफ ऑल टाइम। कटी सार्क जो है वो शिप का नाम है। ये रीडिंग पैसेज 1 है और हमारा टेस्ट क्या है, ये 4 है, बुक 13। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द 19th सेंचुरी वाज अ पीरियड ऑफ ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ब्रिटेन एंड फॉर शिपिंग द मेजर चेंजेस वर फ्रॉम विंड टू स्टीम पावर एंड फ्रॉम वुड टू आयरन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे, डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउंस, ये सारे हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। 1840s, स्विस कैनल, लंदन, ग्रीनविच, इसमें सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। आप अंडरलाइन करते जाएँ जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे टाइम जो है वो बहुत कम होता है 20 मिनट का, इसलिए इसको जल्दी जल्दी आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करने से ये होगा कि हम लोग अपना जो टास्क है उसको जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। जल्दी हम किस तरह कवर कर सकते हैं, जो कीवर्ड्स हैं हम लोग उनको जल्दी जल्दी ढूंढ लेते हैं। टेस्ट 4 है, 1 to 8 क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, जो पैसेज में दी गई होती है। फॉल्स क्या होती है, जो पैसेज में दी गई लेकिन हम गलती से गलत लिख दिया गया होता है। नॉट गिवन क्या होता है, जो पैसेज में दी ही ना गई हो। क्लिपर्स वर ओरिजिनली इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज पैसेंजर शिप्स, कहते हैं वो पैसेंजर शिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे क्लिपर्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इधर है क्लिपर्स, ये द फास्टेस्ट कमर्शियल सेलिंग वेसल ऑफ ऑल टाइम्स वर क्लिपर्स, 3 मास्टेड शिप्स बिल्ट टू ट्रांसपोर्ट गुड्स अराउंड द वर्ल्ड, आल्सो सम लुक टुक पैसेंजर्स, सम आल्सो टुक पैसेंजर्स। तो क्या था यहाँ पे, क्लिपर शिप्स किसके लिए थी, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए और कभी कभी पैसेंजर्स को भी लेके जा, कुछ जो है वो पैसेंजर्स को लेके जाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या है, ये फॉल्स है। कटी सार्क वाज गिवन द नेम ऑफ अ करेक्टर इन अ पोएम, के कहते हैं कटी सार्क जो था ये एक करेक्टर का नाम था पोएम के अंदर। क्या ये करेक्टर का नाम था, कटी सार्क अनयूजुअल नेम कम्स फ्रॉम द पोएम, ये पोएम के अंदर से आया था। टॉम शेंटर बाय द स्कॉटिश पोएट टोटल चेस्ड बाय विच कॉल्ड नैनी हु इज वेयरिंग अ कटी सार्क, उसका नाम क्या था, नैनी था। करेक्टर का नाम क्या था, नैनी था। और ये इन्होंने क्या, उसने क्या वेयरिंग का, कटी सार्क, जिसने क्या पहना हुआ था, कटी सार्क। ये क्या है, ये एक पोएम से लिया गया था लफ्ज, ये पोएम का नाम था। वाज गिवन द नेम ऑफ अ करेक्टर इन अ पोएम, कटी सार्क का यूजुअल नेम कम्स फ्रॉम द पोएम, ये एक पोएम से निकला था। हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। बिटवीन जॉन विलियर्स एंड स्कॉटिश लिव फेवर्ड विलियर्स, जॉन विलियर्स एंड कौन सा विलियर्स है, जॉन विलियर्स एंड स्कॉट एंड लिंटन, जॉन विलियर्स एंड स्कॉट एंड लिंटन, ये किधर है, जॉन विलियर्स एंड स्कॉट एंड लिंटन, ये क्या है, जॉन विलियर्स एंड स्कॉट लिंटन। फॉर शिपिंग कंपनी ओन्ड बाय जॉन विलियर्स टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन, विलियर्स चूज अ न्यू शिप बिल्डिंग फर्म स्कॉट एंड लिंटन एंड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद देम पुट हिम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन द एंड द फर्म वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ बिजनेस एंड द शिप वॉज फिनिश्ड बाय अ कंपेटिटर। क्या था शुरू में, इन शोर्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद देम पुट हिम इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। डिस्ट्रॉय तो वो बाद में हुए थे। जॉन विलियर्स वांटेड कटी सार्क टू बी द फास्टेस्ट टी क्लिपर ट्रेवलिंग बिटवीन द यूके एंड चाइना, जॉन विलियर्स वांटेड, विलियर्स कंपनी वाज एक्टिव इन द टी ट्रेड बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन वेयर स्पीड कुड बी ब्रिंग शिप ओनर्स बोथ प्रॉफिट्स एंड प्रेस्टीज। आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, ट्रू है। डिस्पाइट स्टॉर्म डैमेज कटी सार्क बीट थर्मोपिली बैक टू लंदन, डिस्पाइट स्टॉर्म डैमेज कटी सार्क बीट थर्मोपिली बैक टू लंदन, कटी सार्क बीट थर्मोपिली,
Thurcott was designed to make the journey more quickly than any other ships on her maiden voyage. In 1870, she set sail from London. She returned laden with tea, making the journey back to London in 4 months. However, Cuttisock never lived up to the high expectations of her owner, of bad winds and various misfortunes. The ship was real Clipper. Thermopylae left port in China on the same day. Thermopylae ने क्या किया था? Left port in China on the same day. उसी दिन Thermopylae जो है, उसने छोड़ा था. Cuttisock beat Thermopylae. ये झूठ है. तुम्हारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है, क्योंकि उस दिन तो उसने चाइना की पोर्ट छोड़ी थी Thermopylae ने. द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल मेंट दैट स्टीम शिप कुड ट्रैवल बिटवीन बर्लिन एंड चाइना फास्टर देन क्लिपर. Cuttisock reached London a week after Thermopylae. Steamships posed a growing threat to clippers as their speed and cargo capacity increased. The opening of the Suez Canal in 1869, the same year the Cuttisock was launched, had a serious impact. While steamships could make use of the quicker direct route between the Mediterranean and the Suez Canal in 1869. Our answer kya hai ye? True hai. Steamship sometimes use the ocean route to travel between London and China. Steamships sometimes use the ocean route to travel between London and steamships. London or China ka route unne kabhi use kiya tha? The steamships could make use of the quick direct route between the Mediterranean and the Red Sea. The canal was used. Aisi koi baat nahi hui. To hamara answer kya hai? Not given hai. Captain Woods put Cuttisock at risk of hitting an iceberg. Captain Woods. Kidhar hai Captain Woods? Richard Woods was an excellent navigator who got the best out of both ships and his crew as sailing ships. Cuttisock depended on the strong trade winds of the and Woods took her further south than any previous captain, bringing her dangerously close to icebergs off the southern tip of South America. His gamble paid off. दो एंड शिप है वाज द फास्टेस्ट वेसल इन द वर्ल्ड ट्रेड 10 इयर्स. हमारा आंसर क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट पे आ जाओ. जरा वन वर्ड ओनली, एक ही वर्ड आप लोगों ने यहां से करना है. आफ्टर 18 Cuttisock कैरीड डैश एज इट्स मेन कार्गो ड्यूरिंग इट्स मोस्ट सक्सेसफुल टाइम. आफ्टर 1880 Cuttisock कैरीड डैश एज इट्स मेन कार्गो ड्यूरिंग द मोस्ट सक्सेसफुल टाइम. आफ्टर 1880 It is the tea traders weren't interested. Cuttisock and instead she took on the much less precious work of carrying any cargo between any two parts of the world. Hamara answer kya hai? As the main cargo during its most successful time. Word. नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट वाला. एज अ कैप्टन एंड डैश वुज वाज वेरी स्किल्ड. एज कैप्टन भी था और क्या था? वाज अ कैप्टन, वाज एन एक्सीलेंट नेविगेटर भी था. तो हमारा आंसर क्या है? नेविगेटर. फेरेरी वेंट टू फालमूथ टू रिपेयर डैमेज दैट हैड कॉज्ड. फेरेरा वेंट टू फालमूथ टू रिपेयर डैमेज दैट हैड कॉज्ड. Ferrari went to Falmouth. ये नेविगेटर आ गया. Ferrari ये फालमूथ आ गया, ये फेरेरा आ गया. अब हम दोबारा इसको पढ़ लेंगे. असल में हमसे पूछ कर रहे हैं. फेरेरी वेंट टू फालमूथ टू रिपेयर डैमेज दैट हैड कॉज्ड. रिपेयर डैमेज, जो नुकसान हुआ था. वो क्या नुकसान हुआ था? शी वाज सोल्ड टू अ पोर्टुगीज व्हिच रीनेम्ड हर फेरेरा फॉर द नेक्स्ट. शी अगेन कैरीड मिसेलेनियस कार्गोज अराउंड द वर्ल्ड. बैडली डैमेज इन अ गेल इन 1922. किधर?
कैरी दैट अ गेल हैड कॉज्ड बिटवीन 1923 एंड 1950 साग वाज कॉज्ड फॉर यूज्ड फॉर किसके लिए इस्तेमाल होती थी 23 और 15 1954 में 1954 ये कंटिन्यूड दिस रोड आफ्टर दिस डेथ व्हेन शी वाज अ लॉन्गर रिक्वायर्ड एंड शी वाज ट्रांसफर्ड टू अ ड्राई डॉक एट ग्रीनविच एज अ ट्रेनिंग शिप क्या ट्रेनिंग शिप के तौर पे इस्तेमाल होती थी तो यूज्ड फॉर ट्रेनिंग Kittisak has twice been damaged by Daesh in the 21st century. Was twice been damaged by Daesh. ये 2007 और 2014 The ship suffered from fire in 2007 and again less serious in 2014. Fire से damage हुई थी. तुम्हारा आंसर क्या है? Fire. ये था हमारा टास्क कटिसाक द फास्टेस्ट सेलिंग शिप ऑफ ऑल द टाइम. आप कर ली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें. शुक्रिया.